क्या नाम है आपका? मेरा खुशबू वर्मा। कहाँ से हो? प्रेमपुरी से। क्या हुआ आपको? भाई खाना खाया था, खाना खा कर चक्कर आने लगे, पेट में दर्द होने लगा, घुमेर सी आने लगी। अब मैं नीचे आई तो मम्मी वगैरह सब पड़े थे ऐसे ही। क्या खाया था खाने में? कूटू के पराठे खाए थे। कहाँ से लेके आए थे? कूटू गली में शॉप है, वहीं से लिया था। तो डॉक्टर्स ने क्या बताया? डॉक्टर्स तो यूँ कह रहे हैं ये हो सकता है अपने कूटू ज़्यादा मतलब हैवी हो गया, उस वजह से वीकनेस वगैरह के चक्कर में हो रहा है ये। क्या फूड पॉइजनिंग की कोई शिकायत तो नहीं? नहीं, फूड पॉइजनिंग तो मुझे बताया नहीं, और लोगों को बताया है तो क्या कह नहीं सकते। मुझे तो जो बताया वीकनेस है या डाइजेस्ट नहीं कर पाई हूँ मैं, इस वजह से हुआ ये। क्या नाम है? विपिन शर्मा। कहाँ से हो? रामपुरी। किस तरह की दिक्कत आई? रात सबका व्रत था घर में, सभी ने कुट्टू का आटा बाजार से मंगाया, जो सामान बनाया उसका खाया। उसे खाने के 2-3 घंटे बाद ही चक्कर आने लगे, उल्टियाँ होने लगी। फिर मैं सुबह इनको एमरजेंसी में लेके आया तो उन्होंने इनको भर्ती कर लिया। मेरे सामने कई पेशेंट आए जिनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, उनको भर्ती किया गया। कितने पेशेंट होंगे? डॉक्टर बता रहे थे कि 150-150 पेशेंट तो रात से अब तक आ चुके हैं। मेरे सामने भी 20-25 पेशेंट थे जो जिनका ट्रीटमेंट चल रहा था वहाँ पे। तो जैसे रात से आप देख रहे हो, किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, मतलब जो बीमार है उनको किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है उनको उल्टी आ रही है, उनको चक्कर आ रहे हैं, वाइब्रेटिंग हो रही है शरीर में, घुमेर बहुत ज़्यादा आ रही है। तो जैसे कुट्टू कट्टा आपने खरीदा, कहाँ से खरीदा? हमने लोकल से लिया है, वो बोल रहा है मैंने उसको कंप्लेंट की थी। लोकल से कहाँ से? अपने मोहल्ले की दुकान से लिया था। अच्छा। वो बता रहा है कि हमने मंडी से लाए थे, वहाँ से बेचा गया है। हमने हनुमान चौक से लिया था। जी क्या कह रहे हो? हमने हनुमान चौक से लिया था। मेरा नाम ब्रजपाल कश्यप है जी। जो भर्ती है वो कौन है आपकी? मेरी घरवाली है, मेरे दोनों लड़के हैं। हमने हनुमान चौक से आटा खरीदा था, कुट्टू का खाने से ये इतनी प्रॉब्लम आई। पहले तो इसकी मम्मी को लेकर आया, फिर बड़े लड़के को लेकर आया, फिर छोटे लड़के को लेकर आया, और इतनी प्रॉब्लम कुट्टू खाने से उल्टी में भी कुट्टू ही निकल कर आ रहा है, और घमेर इतनी है कि बैठा भी नहीं जा रहा। क्या नाम है आपको? कविता शर्मा। कहाँ से हो? रामपुर। क्या हुआ? बस कुट्टू खाया आज रात, व्रत था पूरा दिन से, शाम को कुट्टी बनाया, उसे खा पी का लेटे, उससे ही पता नहीं क्या हालत खराब हो गई। किस तरह की दिक्कत हुई आपको? चक्कर से आ रही है, उल्टी हुई लग रही है सुबह से। कितनी उल्टी हो गई अब तक? सुबह से ही आ रही जी उल्टी, पता नहीं कितनी उल्टी हो गई होंगी। जो कुट्टू कट्टा लेके आए थे कहाँ से लेके आए थे आप? गली में, बाजार से लेके आए थे। बाजार से ले। सर जी, कुछ मरीज आए कुट्टू का आटा बदलने की शिकायत बताई है? हाँ, हमारे यहाँ कुछ रात में कुछ पेशेंट आए थे जिन्होंने बताया था कि कुट्टू का आटा खा लिया, इसकी वजह से उनको हल्की निकली उल्टी या चक्कर आना शुरू हुए थे। इमरजेंसी में आए थे, फिर हमने 16 पेशेंट आए थे जो भर्ती किए गए थे। ठीक है, वो भी भर्ती इलाज चल रहा है और सभी ठीक है। कुल कितने मरीज थे सर? 16 पेशेंट आए थे भर्ती हुए थे। ठीक है, इसमें कुछ पेशेंट जो आए थे प्रेमपुरी से आए थे, 7 पेशेंट आए हुए हैं, बंजारन से 3 पेशेंट आए हैं, रामलीला टीला से 3 पेशेंट आए हैं, ब्रह्मपुरी से 2 और रामपुरी से 1 पेशेंट आया। सर इतने कम पेशेंट थे लेकिन उसके बावजूद भी एक बेड पे 2-2 मरीज को लिटाया गया? नहीं नहीं, पेशेंट हमारे पास बेड हैं, ऐसा नहीं देखा गया सर, 2-2 मरीज लेटे एक बेड पे। नहीं नहीं, वो तो एक एक कर दिया गया है, इलाज चल रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि रात बहुत ज़्यादा मरीज थे, 100-150 करीब मरीज थे। नहीं, हमारे यहाँ तो इतना है और पता नहीं। सर किस तरह की दिक्कत आई है इनको? इनको वोमिटिंग हुई थी, उल्टी हुई थी, मितली हुई थी और हल्का सा चक्कर आए थे बस। क्या कोई फूड पॉइजनिंग की शिकायत है सर ये? अब इसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं लेकिन कुट्टू का आटा खाने से हुआ है जी।